भगवान जी के दर्शन के साथ आज सुबह की स्टार्टिंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम हिंदुस्तान। तो आपको आपकी ज्योति की तरफ से गुड मॉर्निंग। सो है ना, तो आज मैंने वेस्ट कोट वेयर किया है। मोनिका दी से मैंने मंगाया था हिमाचल से, तो वही मैंने आज वेयर किया है। और मेरी पूजा वगैरह हो गई है, जान को ब्रेकफास्ट दे दिया है, इश्की लगी है अपनी मटर गस्ती में, तो मैं आप लोग को भी मिलाती हूँ उन लोगों को। ठीक है, चलिए। तो ये है मेरी जान, जो इस दिल की जान है। थोड़ा सा यहाँ दिखा दो अपना सुंदर सा मुखड़ा, हाँ सुंदर सा मुखड़ा दिखा दो। नमस्ते, आप मेरे को तो नमस्ते बोल सकते हो ना। नमस्ते मैं क्यों बोलूं? मुझे क्यों? फिर मैं आपको जैसे प्रणाम बोलूंगी तो आप क्या बोलोगे? काम करो। कुछ काम करो, कर ही रही हूँ। और ये लगे देखो, इसको देखो, ये इस बच्ची के हालात देखो। ये बस ये डब्बा छोड़ ही नहीं है, पीनट बटर का डब्बा है, ये छोड़ ही नहीं रही है। ये देखो, ये बिट्टू दे दो, जान से ले लो डब्बा, ले लो से डब्बा। दो ना, दो इसको, पीनट बटर इतना ज्यादा पसंद है ना। यार कोई बात नहीं जान, अब कपड़े सुखाए तो आएंगे। भी निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। बाय जान, जान बाय। इसको डैडू को बाय बोलो, बाय बोलो। तो जान जा चुके हैं, अब हम भी चलते हैं अपने काम की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए बना दी है चाय। पता है व्रत में ना फल, जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने का उतना मन नहीं करता, सिर्फ चाय पीने का मन करता। मैं तो ना अपने, जैसे जब मैं फास्ट रखती हूँ ना, मैं फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ दो बार, एक सुबह और एक शाम को। हाय कह दो, नमस्ते कह दो, नमस्ते। इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, थोड़ा काम कराना तो बनता है इससे सुबह सुबह। उधर जाना, गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रेड्डी दी से मिलने के लिए। आप सोचोगे रेड्डी दी कौन, जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना दिल्ली में, तो जिस क्वार्टर में ना, मतलब जिस कमरे में रूपा रहती है उसमें रहती थी रेड्डी दीदी, पहले मेरी पड़ोसी रेड्डी दीदी। उन्हें ना मेरी प्रेगनेंसी में इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया ना मुझे, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी है, जैसे लेमन राइस हो गया, इडली डोसा, वो सब मुझे इतना खिलाती थी ना वो प्रेगनेंसी में। तो वो फिर उनकी पोस्टिंग होकर वो चली गई थी जम्मू, और आज वो हमसे मिलने के लिए आई है निशु और मुझसे। तो मैं ना उनसे मिल के आती हूँ, क्योंकि उन्हें ना, मैंने उनसे बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। जब इश्की मेरे पेट में थी तो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा था ना, और आज वो ना घर को जा रही होंगी, मतलब साउथ साइड जा रही होंगी, तो हमसे मिलने के लिए आई हूँ। देखा, आर्मी वाले हमारी पोस्टिंग इधर उधर हो जाती है, पर जब भी हमें मौका मिलता है अपने दोस्तों से मिलने का, तो हम पक्का मिलने जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है रेड्डी दी का, तो रेड्डी दी आज हमसे मिलने के लिए, तो मैं उनसे मिल रही होंगी या दो साल बाद। तो चलिए मिलते हैं। और सोचिए, आज वो इश्की को भी देखेंगी। उन्हें कब देखा था इश्की को? जब इश्की मेरे पेट में थी। और आज देखेंगी कि असली पेट से निकल के बच्चा, मतलब कैसी हुई वो। वो बोलती थी ना, अगर आपकी लड़की होगी ऐसी होगी, लड़का होगा तो ऐसी होगी। तो आज इश्की को मिलाती हूँ। इश्की चलो। है मेरी रेड्डी दी, जो मेरी पड़ोसी थी। और देखिए देखो, आपने सो कब देखा था रेड्डी दी? आपने जब ये पेट में थी ना तब देखा था। और देखो मेरा तो निकल गया, और इसने दोबारा इसका हो गया। आंटी को प्रणाम क्यों नहीं बोल रही? वहाँ प्रणाम बोलो, वहाँ आंटी को करो प्रणाम, जाओ। जा रहे हैं दीदी लोग, और ये हैं दीदी के प्यारे प्यारे बच्चे। हाय तो बोल दो यार, हाय। तो दीदी जा रही है सीधी, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ ना केला, कहाँ? उड़ीसा।
पर दीदी ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमसे मिलने के लिए आई, होती है दोस्ती। देखा, और देखो ये उनकी क्वार्टर में आई थी, ये उनकी क्वार्टर में आई थी, ये एक्सचेंज। पहले याली दीदी रहती थी, अब उसी में याली दीदी आ गई। पहले दीदी उड़ीसा दीदी रहती थी, अब ये आ गई, अब आगे बंगाली दीदी है। चलो अब चलते हैं, बाय। मोनिका दी, रेड्डी दीदी आ गई। मोनिका दी कहाँ? मोनिका दी, हाँ वही है। हाय, मिलते हैं जल्दी। वो इश्की भी चली गई, मेरी बेटी को भी लेके जाना, उड़ीसा घुमा के आना। तो फ्रेंड्स, रेड्डी दीदी भी चली गई है, तो उनकी शाम की ट्रेन थी, तो उन्हें बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करनी थी। दिल्ली में आए और शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। आज मुझे पता चला प्यार कितनी बड़ी चीज़ है। मैं मतलब खुद तो बहुत मानती हूँ, बट ना देखो रेड्डी दीदी का क्या था, मतलब वो सीधे घर जा सकती थी, है ना, जरूरी तो नहीं था हमसे मिलना। बट देखो प्यार उन्हें खींच के लेके आया हमारी तरफ, क्योंकि हम लोगों का बॉन्ड ही कुछ इस तरीके का था यार। देखो प्यार जिससे हो जाता है ना, चाहे किसी भी कोने में हो, उससे मिलने का मन तो करता ही है। जैसे रेड्डी दीदी हम लोगों से इसलिए तो मिलने आए क्योंकि प्यार था उन्हें हमसे, और प्यार है तो तभी तो दोस्ती भी है, है ना। तो बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद, मुझे मतलब इतना अच्छा फील हुआ कि मुझे सोचा नहीं था कि रेड्डी दीदी हमसे दोबारा मिलने आएंगी। मतलब यार वो सीधे भी घर जा सकती थी ना ऐसे, बट नहीं, शायद हमने कुछ तो इज्जत कमाई होगी, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत या सभी को बहुत अच्छा लगा, वो तो मतलब रेड्डी दीदी इतनी अच्छी थी कि सभी से एक ही बार में ना किसी के भी दिल में अपनी जगह बना लेती थी। तो रेड्डी दीदी के चले गई, तो हम भी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा लंबा शंबा और जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, और आप भी बोलेंगे सो बोरिंग ब्लॉग ना। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसा ना बोले, इसीलिए ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है, ये था प्यार का ब्लॉग कि प्यार के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और प्यार किसी भी कोने में हो हम उससे मिलने जरूर जाएंगे, यही तो है दोस्ती, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको तो हर रोज ही पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर विथ योर लविंग फैमिली एंड योर क्यूटी पाई फ्रेंड्स। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।